हेलो गाइस, मेरा नाम है गोपाल गुप्ता और आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पॉलिनोमियल? देखिए गाइस, नाम से ही समझ में आता है, पॉली पॉली मींस मैनी और नोमियल मींस टर्म, यानी मैनी टर्म्स है ना। पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स होते कितने टाइप्स के हैं? थ्री टाइप्स। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल बात करते हैं लाइक दिस इज द जनरल पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। गाइस ये कंडीशन होती है वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। गाइस ए की वैल्यू इसमें जीरो नहीं हो रही है, यदि ए की वैल्यू अगर इसमें जीरो कर देंगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? अब गाइस देखिए, नाम से ही समझ में आता है लीनियर है, इसका मतलब इसके ग्राफ कैसे होंगे? लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसे या तो ऐसे। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। इसकी हाई डिग्री कितनी है? वन। तो आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अब देखिए गाइस, नाम से ही समझ में आता है, फिर क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड, क्वाड का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर यानी जिसकी डिग्री टू हो। अब लेट इसका जनरल वो लिखते हैं फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। यहां भी ये कंडीशन क्या लागू होगी? ए नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इट्स मीन ए नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा इसको। अब इसमें बात करते हैं इसके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। इसकी गाइस हाईएस्ट डिग्री कितनी है? टू। तो अब इसमें क्या है, ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? या तो पैराबोलिक ऐसे, या तो ऐसे, या ऐसे। ये कई तरीके से प्लॉट हो सकता है, ये पैराबोलिक ग्राफ्स हैं। अब बात करते हैं गाइस किसके बारे में? क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? अभी तक हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, जिसकी हाई डिग्री कितनी हो? वन हो, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, हाई डिग्री कितनी थी? टू, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए गाइस यहां भी नाम से समझ में आता है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब थ्री, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? थ्री। तो इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है? ए नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो हो जाती है तो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं बेसिकली? आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सॉरी गाइस, इसकी ग्राफ देख लेते हैं, इसमें कैसे ग्राफ प्लॉट होते हैं। ग्राफ, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी गाइस? थ्री। ये इसकी जनरल फॉर्म। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी गाइस? थ्री, यानी ये तो ना पूरी तरह पैराबोलिक होगा ना लीनियर होगा। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट हो सकता है?
या तो ऐसे, इसके भी क्या है, कई टाइप्स हैं। अब गाइस देखते हैं, पहला हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लाइक ले लेते हैं 4x-3, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लाइक 2x+7 लीनियर पॉलिनोमियल है। लाइक √3x+5 ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जो रूट है वो किस पर है, कांस्टेंट टर्म पर है। अगर ये देखो गाइस, हम बात करें √5x+2 तो क्या गाइस ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नहीं। इसमें x की पावर कितनी है, 1/2। x की पावर कितनी है, 1/2 है। और लीनियर में हमारी x की जो हाईएस्ट डिग्री थी वो कितनी होती है, 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की एग्जांपल लेते हैं। गाइस क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या थी, ax2+bx+c, वेयर a≠0 एंड a और b एंड c क्या है, a b c, ये क्या है, रियल नंबर। क्या है, ये रियल नंबर है। अब इनके एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे 2x2+5x+6। देखिए गाइस हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं x2-5x+6, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लाइक एग्जांपल लेते हैं x2-3, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री अभी भी क्या है, 2 है। अब गाइस यदि अगर मैं बात करूं, इसको लिख दूं √5x2+5x+6, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि रूट जिस पर चढ़ा है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एक्स स्क्वायर अभी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब गाइस अगर मैं लिख दूं इसमें √3x2+5, तो क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं। इसमें x की जो पावर है वो कितनी है, दिस इज 1 पावर है, यानी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ आया गाइस। अब अगला क्या था हमने, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है गाइस, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका एग्जांपल लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या थी गाइस, ax³+bx²+cx+d, where a≠0 और यहाँ पर a b c d क्या है, रियल नंबर है। क्या है, ये रियल नंबर है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं गाइस, सपोज x³-6x²+11x-6, ये क्या है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब लिखते हैं गाइस जैसे 3x³
11x plus 5, ठीक है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी अभी भी हायर डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट गाइस। चलिए आपको सवाल पर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लाइक गाइस, कुछ सपोज कुछ ग्राफ दिए गए हैं गाइस, अब इसमें कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस इसमें फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है वो उसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। अब गाइस जैसे पहले बात करते हैं, इसमें एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 and 2, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2। इस पे कितने का पॉइंट कट कर रहा है, 1 2 3, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना, 3। अब गाइस देखिए इस पर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इट मीन एक्स एक्सिस को ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। और एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे अब इस पे बात करते गए, इस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है इसको, 1 and 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2। अब इसे कितने पॉइंट पर कट कर रहा है इस पे, 1 2 3 and 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4। अब देखिए गाइस ये एक्सिस को टच कर रहा है यानी कितने पॉइंट पर टच करेगा, 1 point, केवल 1 point, then its number of zeros कितने होंगे, 1। चलिए अब और कुछ questions आगे लेते हैं, ये तो थे number of zeros find करने के, अब guys कुछ polynomials लेते हैं, questions like suppose ये questions दिया गया है, ये क्या है, linear polynomial है, अब linear polynomial है तो इसका number of zeros क्या होगा, 2x = 3 by 2, x की वैल्यू जो आई 3/2 आई, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या आया, 3/2। इसी तरह अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करते ax + b, इसमें x क्या था, -b/a,
इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ, माइनस बी बाई ए। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। लेट्स सी एग्जांपल लिया। अब ये कैसे एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। अब इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म और एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, टू। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, टू। वन इंटू टू इज इक्वल्स टू टू आ रहा है। अब गाइस बीच में कितना दिया है, थ्री एक्स, वो भी नेगेटिव टर्म का। अब देखिए गाइस इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वन इंटू टू का टू, इसको अगर सम करें तो वो भी कितना आ रहा है, थ्री। और हमें चाहिए भी कितना, थ्री, वो भी कौन सा, नेगेटिव टर्म का। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस टू एक्स एंड माइनस एक्स। देखिए अगर इसको अगर सम करें तो भी कितना आएगा, माइनस थ्री एक्स आ रहा है प्लस टू। अब क्या करेंगे, दो दो टर्म का, दो दो टर्म में कॉमन लेंगे। इसमें कितने का कॉमन आ रहा है, एक्स का, तो एक्स माइनस टू। अब इस दोनों टर्म में कितने, इस टर्म में कितने का कॉमन आ रहा है, माइनस वन का। इसमें कितने का कॉमन आया है, माइनस वन का, तो क्या बचा, एक्स, और ये माइनस था तो ये कैसा हो गया, माइनस माइनस टू। इसके जो फैक्टर आए एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएगा, इस वन और टू। देखिए गाइस इसके नंबर ऑफ जीरोस दो आ रहे हैं, वन एंड टू आ रहे हैं। इसके हाईएस्ट डिग्री भी कितनी है, टू। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे। अब गाइस हो सकता है आपको ये ट्रिक ना समझ में आई हो, मैं इसकी एक और ट्रिक लेता हूँ कैसे इसमें हम फैक्टर करते हैं। चलिए इसी को लेता हूँ अभी, ये ट्रिक है फैक्टर करने की। अब देखिए गाइस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन। अब वन का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, वन इंटू वन ही। और कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म का फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं हम, टू है। इसको क्या लिख सकते हैं, टू और वन, टू इंटू वन इज इक्वल टू वन। अब देखिए गाइस जो मिडिल टर्म है वो कैसी है, नेगेटिव है। यानी हमें कैसी चाहिए, नेगेटिव टर्म में चाहिए। हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। अब ये जो गाइस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था उसका फैक्टराइजेशन वन इंटू वन आया, मल्टीप्लीकेशन सॉरी। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया, एक्स, ये क्या था, टू। ये क्या बन गया, एक्स, ये क्या था, वन। इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ये देखिए इसके फैक्टराइजेशन या नंबर ऑफ जीरोस क्या है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन से वन एंड टू। ये एक ट्रिक थी। इसके और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, और ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और अदर क्वेश्चंस में। लाइक एग्जांपल देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। चलिए इसमें ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने की। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है गाइस, वन। वन का मल्टीप्लिकेशन वन इंटू वन, और कांस्टेंट टर्म का क्या लिख सकते हैं, ये सिक्स है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू इज इक्वल्स टू सिक्स, थ्री इंटू टू। अब देखिए गाइस मिडिल टर्म अभी क्या है, निगेटिव है। यानी हमें कैसा चाहिए, ये
नेगेटिव टर्म में चाहिए, क्या करेंगे माइनस, अब क्या करते थे मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर्स क्या आ गए एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 2, इसके नंबर ऑफ जीरो क्या हो गए 2 एंड 3, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, लाइक ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें मिडिल टर्म नहीं दी गई है लेकिन फिर भी ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें अप्लाई करते हैं गाइस। अब देखिए इसमें ट्रिक अप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम उतना ही लगना है। अब देखिए गाइस यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या दिया है एक्स का स्क्वायर, इस 3 को क्या लिख सकते हैं गाइस रूट 3 का स्क्वायर, ऐसा हमने क्यों लिखा वी नो दैट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 9th में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसमें हमें डायरेक्टली फैक्टर मिल रहा है, क्या लिख सकते हैं ए कितना है एक्स प्लस बी कितना है रूट 3, ए कितना है एक्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है रूट 3, ये क्या है भाई इसके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या है माइनस रूट 3 एंड रूट 3, समझ आएगा गाइस। चलिए और बात करके देखते हैं, गाइस चलिए अभी इसी क्वेश्चन पर वो ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्या वो आंसर आता है कि नहीं आता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना 1 इंटू 1, कांस्टेंट टर्म कहती है नेगेटिव, अब नेगेटिव का अब मल्टीप्लीकेशन क्या लिखते हैं माइनस 3 इंटू 1 या 3 इंटू माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब गाइस देखिए माइनस 3 इंटू 1, अब इसमें मिडिल टर्म है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था उसमें क्या है वो जीरो है, लेकिन क्या इनके सम करने पर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका सम करने पर जीरो कितना आ रहा है माइनस 2, इसका सम करने पर जीरो कितना आ रहा है 2, तो क्या ये फैक्टर्स होंगे, नहीं ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो हमें फैक्टर्स भी कैसे करने हैं कि उसका दोनों का सम मिडिल टर्म के सम के बराबर हो, इसके फैक्टर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 3 एंड माइनस रूट 3, क्या ये लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों का अगर सम करते हैं तो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म वैसे जीरो हो रहा है और इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है जीरो, इसके फैक्टर्स हमें क्या मिल गए रूट 3 एंड माइनस रूट 3, अब क्या करते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे एक्स का मल्टीप्लाई, इसमें भी एक्स का मल्टीप्लाई सॉरी, अब 1 इंटू एक्स एक्स, अब ये गाइस मिडिल टर्म हमें पता नहीं है कैसा है तो इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्टली जब नहीं दिया है मिडिल टर्म विल बी जीरो है, ये जीरो है क्या करेंगे हम प्लस साइन ले लेंगे और वैल्यूज कितनी दी हुई है रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 इंटू 1 इंटू एक्स एक्स, ये कैसा है माइनस का माइनस रूट 3, देखिए गाइस इसी क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरोस क्या है रूट 3 एंड माइनस रूट 3 जो हमारे पहले सॉल्व करने पर आए थे, इट्स मीन ये गाइस ट्रिक अप्लाई हो रही है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी पर, लाइक लेट अस
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इस पर ट्रिक अप्लाई करते हैं गाइस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन, वन का मल्टीप्लिकेशन वन इंटू वन। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या दी हुई है, टू, टू का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, टू इंटू वन, टू इंटू वन। अब गाइस अगर इन दोनों का सम करें कितना आ रहा है, थ्री। और मिडिल टर्म कितनी दी हुई है हमें, दी हुई है माइनस की, मिडिल टर्म दी हुई है माइनस की। तो माइनस की क्या हो सकती है गाइस, आ रही है, मैच हो रही है, नहीं, तो क्या इसके फैक्टराइजेशन ये होंगे, नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, ये तो इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे हैं। आप क्या करें, अब देखिए गाइस इसके फैक्टराइजेशन अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम गाइस डायरेक्ट पहले बात करते हैं फिर आप इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन, और ये कितना है, टू, टू इंटू वन इज इक्वल्स टू टू आएगा। अब टू के ऐसे फैक्टर्स ही नहीं मिल रहे जिस पर नेगेटिव टू आ जाए, क्या करना है आपको, वहीं चलते हैं। इसको हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, जब इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे तो क्या होंगे, यानी इमेजिनरी फैक्टर्स मिल रहे होंगे, तो इमेजिनरी फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस आयोटा। सॉरी वन माइनस, अब देखिएगा इन दोनों का सम करिए कितना आ रहा है, टू, लेकिन हमको चाहिए नेगेटिव में, तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव टर्म लगा देंगे भाई, नेगेटिव साइन। अब क्या कर देते, मल्टीप्लाई इनटू एक्स, तो इसका क्या आया, वन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन प्लस आयोटा, एक ये फैक्टर आया और इसमें एक्स माइनस वन माइनस आयोटा, ये दूसरा फैक्टर आया, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, वन प्लस आयोटा एंड वन माइनस आयोटा, ये नंबर ऑफ जीरोस आए। गाइस शायद आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो कि हमने इसके फैक्टर्स कैसे किए, चलिए उसका भी सॉल्यूशन है, उस पर हम बात करते हैं कैसे इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। गाइस हमने नाइन्थ में या क्लास सिक्स सेवन एट में एक फार्मूला पढ़ा है, उस फार्मूले का नाम क्या है, धाराचार्य फार्मूला, धाराचार्य फार्मूला। अब गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लेकर हम चलते हैं। धाराचार्य फार्मूला क्या होता था, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई टू ए, वेयर ए बी क्या है, ए बी कोफिशिएंट है, किसके, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और डी क्या है, वेयर डी क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, वेयर डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो इसकी वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को डालकर इसमें रख दें तो हमारा कंप्लीट फार्मूला क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यह हमारा कंप्लीट फार्मूला बना। इस फार्मूला को क्या कहते हैं हम लोग, धाराचार्य फार्मूला। चलिए गाइस इसी फॉर्मूले पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज को रखकर देखते हैं। गाइस अब इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1, b कितना है विद साइन -2, c कितना है 2, इन वैल्यूज को कहां पुट करेंगे, इसमें चलिए पुट करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -2 स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2 और प्लस माइनस अंडर रूट -2 इंटू -2, -2 का स्क्वायर है तो -2 इंटू -2 किसका हो जाएगा प्लस का 4, -4 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2। तो x की जो वैल्यू आई क्या आएगी 2 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बच रहा है माइनस का 4 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस माइनस, अब गाइस ये माइनस का 4 लिखा हुआ है, देखिए बात करते हैं माइनस का 4, अब इसके फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, हमको तो रूट 4 के आते हैं लेकिन रूट 4 के माइनस के नहीं आते, क्या करेंगे रूट 4 अलग एंड रूट माइनस 1 अलग। रूट 4 के फैक्टराइजेशन सबको पता है क्या होते हैं 2, और ये माइनस 1 है, ये कैसी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट आई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई आई, रूट माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई 2i, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2i डिवाइड बाय 2। अब देखिए गाइस ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया 1 प्लस माइनस आईटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यूज क्या आ गई 1 प्लस माइनस आईटा, जो x की वैल्यूज आई 1 प्लस माइनस आईटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक बार प्लस के साथ लेना है और एक बार माइनस के साथ ले रहे हैं, देखिए गाइस आ गई भाई वैल्यू जो हमने ट्रिक से निकाली थी। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टर, जिसमें हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे थे। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फैक्टराइजेशन हम लोगों ने क्या पढ़े थे, इसके फैक्टराइजेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा बीटा क्या है ये है नंबर ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या है नंबर ऑफ जीरोस, जो किसके हैं नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वेयर के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, के क्या है कांस्टेंट, चलिए इसका मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या आता है, के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स विद माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस का अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस का देखिएगा इस माइनस एक्स का कॉमन आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसका कंपेरिजन कराते हैं गाइस, इससे इसको और क्या लिख सकते हैं, के का भी मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस के बी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब इसका कंपैरिजन करा दीजिए गाइस, किससे कराएंगे हम, इससे। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ रही है कंपैरिजन कराने पर, ए किसके इक्वल है के, और बी किसके इक्वल है, बी की वैल्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी किसके इक्वल है के अल्फा बीटा। अब देखिए गाइस, ए की वैल्यू तो हमें मिल गई, बी की वैल्यू क्या है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, माइनस इधर जाएगा तो माइनस बी, और के कहाँ पर आएगा नीचे, और के किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा की फर्स्ट में क्या आया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए आया। इसी तरह सी के साथ लेते हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा बीटा कितना है, सी अपॉन के, देन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी, और के किसके बराबर है, ए के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो सॉरी सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए आया। ये है क्या गाइस, सम ऑफ जीरोस, यानी हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स निकालते हैं, यदि हम उनका सम करें, यानी फैक्टर्स निकालते थे हम लोग, अब उसे पूछ देता है कभी कभी कि वाह मान ली दे दिया है हमको, ये क्यों निकाला, हम चलिए बताते हैं। मान लीजिए जैसे ये दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अब मान लीजिए हमें दे देता है नंबर ऑफ जीरोस गिवन है, और फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो उसी बेस के लिए हमने क्या फाइंड किया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये क्यों फाइंड किया गाइस, इसका भी मतलब जानते हैं। लेट गाइस कोई क्वेश्चंस लेते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्वेश्चंस लिया हमने। अब इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, ये हमारा क्वेश्चन है, ये दिया गया है। पहले क्या करेंगे गाइस, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, चल चले। तो गाइस अब क्या आपको ट्रिक आसान लग रही है या बेस, मुझे तो ट्रिक आसान लगती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिक अप्लाई करता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन का फैक्टराइजेशन वन इंटू वन, और सिक्स का फैक्टराइजेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू। अब मिडिल टर्म देखिए गाइस पॉजिटिव है, यानी हम क्या देखिए, ये प्लस की, हमने प्लस साइन ले लिया। अब क्या करते थे, मल्टीप्लाई साइन किसका, x के साथ, x से मल्टीप्लाई किया, वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री और x प्लस टू, जिसके फैक्टराइजेशन का लिख के आ गए x प्लस टू एंड x प्लस थ्री, ये इसके फैक्टर आ गए। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, माइनस टू एंड माइनस थ्री, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, माइनस टू एंड माइनस थ्री। अब कह रहे हैं रिलेशन वेरीफाई करना है, अब गाइस रिलेशन कैसे वेरीफाई करें, कोएफिशिएंट्स के साथ,
क्या करेंगे, हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये क्या था, सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, राइट। हमारे नंबर ऑफ जीरोज आ चुके हैं, तो सम ऑफ जीरोज पहले निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या है, इनको अब लंच कर लेना तुम्हें, सम ऑफ जीरोज क्या आया गाइस, माइनस फाइव। और देखिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था उस पर भी रख के देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी की वैल्यू कितनी है फाइव और कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है वन, वैल्यू क्या है माइनस फाइव, ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट का फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस टू इंटू माइनस थ्री, ये बस कितना आ गया प्लस का सिक्स। चलिए इस पर रखकर देखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिया है सी बाई ए, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, और कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है सिक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है, और ए की वैल्यू कितनी है वन, सिक्स बाई वन इज इक्वल टू सिक्स। ये भी देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो गाइस आज हमने सीखा लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, ये सब आज हमने सीखा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, उसमें भी कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो गाइस आज की आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ज़रूर।